जब पढ़ाई का टाइम होता है ना, एक बार आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसको मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएं तो वो बेस्ट रहता है, जिससे आप वहाँ पे एकदम फ्री में पढ़ सकते हैं, आपका लिविंग एक्सपेंस आपका। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपकी ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आई हूँ कि यार बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अब्रॉड सेटल होने का बहुत मन होता है या अब्रॉड से पढ़ने का बहुत मन होता है। तो सबसे पहली बात तो कौन सा ऐसा सबसे अच्छा टाइम होता है जिसमें आप जा सकते हैं फॉरेन सेटल होने के लिए? तो मेरे हिसाब से तो यार जब पढ़ाई का टाइम होता है ना, एक बार आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसको मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएं तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पे तब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, ना सैलरी की ना फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। दूसरी बात, अगर आप वहां से एक बार पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो वहां पे जॉब के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक कंट्री की जो कंपनीज होती हैं वो ऑब्वियसली प्रेफर करती हैं कि यार उसी कंट्री का एम्प्लॉय हो। पहले तो वो अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट देंगे ना, उसके बाद तो वो बाहर वालों को देंगे। तो इसीलिए अगर आप वहां पढ़ते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है वहां जॉब लगने की। और तीसरी चीज, अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं ना, तो वर्क से ज्यादा पढ़ाई का वीजा बहुत ज्यादा इजीली आपको मिल जाता है, तो ये बेस्ट टाइम रहता है। लेकिन यार एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है कि वहां पढ़ाना, वहां की फीस वगैरह, लिविंग एक्सपेंस सब कुछ पे करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ स्कॉलरशिप्स निकाली हैं जिससे आप वहां पे एकदम फ्री में पढ़ सकते हैं, आपका लिविंग एक्सपेंस, आपका कॉलेज का फीस सब कुछ एकदम फुली फंडेड होगा बाय द गवर्नमेंट। अगर आप डिजर्विंग स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब मिल सकती हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, इसकी 15 ऐसी स्कॉलरशिप्स की मैं लिस्ट आज लेके आई हूँ, जो कि यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज में हैं। तो आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, और आज मैं सब बताऊंगी आपको कि उसमें क्या क्या एक्सपेंस कवर होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, और साथ ही साथ मैं उन सारी स्कॉलरशिप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पहली स्कॉलरशिप है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप। ये यूके प्रोवाइड करती है मास्टर्स डिग्री के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि आप एक इंडियन स्टूडेंट होने चाहिए, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े होने चाहिए, आपने एटलीस्ट 60% स्कोर करना चाहिए या तो सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज वगैरह में, या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह करी है तो उसमें 65% मिनिमम होता है। और उसके बाद फिर जो ह्यूमन एक मिनिस्ट्री होती है, मतलब वो आपका इंटरव्यू लेती है डिजर्विंग कैंडिडेट्स का, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या क्या आपके कवर होता है, इसमें सब कुछ कवर होता है, आपका लिविंग एक्सपेंस, एयर ट्रैवल और ट्यूशन फीस कॉलेज की, वो सब कुछ इसमें कवर होता है। इसमें आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप 31 लाख तक की मिल जाती है। फील्ड ऑफ स्टडीज वही इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या फिर प्योर साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, ये सब आप पढ़ सकते हैं, और ये यूके की सारी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल हो। तो आप अगस्त में इसके लिए आप मतलब जो भी फॉर्म वगैरह होता है वो आप अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी स्कॉलरशिप है चीवनिंग स्कॉलरशिप। ये सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज के लिए होती है यूके की जो कि चीवनिंग से एफिलिएटेड है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि एक तो आप इंडियन स्टूडेंट होने चाहिए, उसमें अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होने चाहिए इंडिया के, और कम से कम आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें ये भी फुली फंडेड होती है, तो इसमें आपका ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस और एयर ट्रैवल वो सब कुछ वो होता है। और भी अगर आपको कोई एक्सपेंस चाहिए तो जैसे भी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट्स होती है आप उनसे बात कर सकते हैं, तो वो उसी हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप बढ़ा देते हैं। ये सारे कोर्सेज में अप्लाई हो जाती है, जो भी 1 ईयर के मास्टर कोर्सेज होते हैं उन सब में अप्लाई हो जाती है, और ये यूके यूनिवर्सिटीज में अप्लाई होती है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और इसके लिए भी आप अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं। ये ईयरली सिर्फ 65 स्कॉलरशिप्स निकलती हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारी स्कॉलरशिप है वाइस चांसलर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। ये न्यूकैसल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जिनको न्यूकैसल यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, या तो अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, और आप वहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना होता है, ये फेब्रवरी में होता है हर साल, और ये 225 स्कॉलरशिप्स होती हैं, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस यही होता है कि वो कॉलेज में उसको न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाना चाहिए।
और इसमें आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस कवर होती है जो कि 3000 यूरोस तक मिलती है आपको पर ईयर। नेक्स्ट हमारी रोडस स्कॉलरशिप होती है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और ये सिर्फ और सिर्फ 5 स्कॉलरशिप्स होती है पर ईयर। ये एकदम ब्रिलियंट बच्चे जो होता है ना उनको मिलती है। और ये आपके 61 लाख, ये आपके 64 लाख आपको मैक्सिमम मिल जाती है। इसमें भी आपका लिविंग एक्सपेंस और ट्रैवल और अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ इसमें कवर होता है, ट्यूशन फी वो सब कुछ इसमें कवर होता है। इसके एलिजिबिलिटी वही होता है कि एक तो इंडियन स्टूडेंट होना चाहिए, एक कम से कम 19 इयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 25 इयर्स का होना चाहिए वो, और उसने क्या बोलते हैं पिछले 10 साल में से 4 साल में कोई फॉर्मल एजुकेशन करी हो और उसको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी हो, और स्टूडेंट या तो 12th स्टैंडर्ड में हो या फिर किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर में हो, बस उसका खत्म होने वाला हो। और हाँ, वो फर्स्ट क्लास उसने सिक्योर कर ली हो अपने, वो या तो MBA कर सकते हैं या कोई भी फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप से। ये सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई होती है और इसके अलावा सितंबर एवरी ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कॉलरशिप है इनक्लास शिवदसनी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है ये आप मतलब 3-4 कंट्रीज में अप्लाई हो जाती है, ये यूके, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई हो जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और उसने जो अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स करा है ना वो एक रिकग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी से करा हुआ हो, उसके बाद वो कम से कम 30 ईयर्स से कम हो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और उसको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, और वो पहले उसने एडमिशन ले लिया उसको जिस भी कंट्री की जिस भी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन लेना है जिस भी कोर्स में उसमें वो पहले से एडमिशन ले चुका हो, तभी ये स्कॉलरशिप मतलब वहां लग सकती है। ये सारी यूनिवर्सिटीज में लग सकती है, जो भी यूके, यूएसए, यूरोपियन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब में लग सकती है। ये आपकी $1,00,000 तक आपको मिलती है पर ईयर। ये इसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको $1,00,000 तक ही मिल सकती है और उसमें वही ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और आपका एयर ट्रैवल वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। इससे आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, मास्टर डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर मास्टर सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जनवरी में हर साल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी स्कॉलरशिप है एरिस मंडिस। ये काफी ज्यादा पॉपुलर स्कॉलरशिप है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप BSc करी होनी चाहिए आपने, किसी भी फील्ड से कर लो, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, किसी से भी कर लो, और आपका जो 180 ECTS आपके उसमें मार्क्स होने चाहिए और आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब की। ये भी आपकी USA, UK और यूरोपियन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज में लग जाती है। इससे आप मास्टर्स कर सकते हैं, ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं और इससे आप सितंबर से जनवरी हर साल आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको USA में पढ़ना है तो एक नेहरू स्कॉलरशिप होती है, फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप्स एक नाम की स्कॉलरशिप होती है। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आपका जो कैंडिडेट है उसने एटलीस्ट 4 इयर्स का कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, बीटेक टाइप का या उसी के इक्विवेलेंट कोई कोर्स करा होना चाहिए, 3 साल का उसको कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिर उसका कुछ इंटरव्यू वगैरह या इवैल्यूएशन वगैरह होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे या लीडरशिप स्किल्स पे, उनको से टेस्ट करा जाता है। आपकी ट्यूशन फी, एयर ट्रैवल, लिविंग एक्सपेंस साथ साथ में बुक भी कवर होती है, बुक्स की पैसे जो होते हैं वो भी कवर होते हैं इसमें। सब बहुत सारे फील्ड्स में पढ़ सकते हैं जैसे कि आर्ट्स एंड कल्चर, एनवायरमेंटल साइंस, पब्लिक हेल्थ, जनरल स्टडीज और भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिनमें आप पढ़ सकते हैं। ये आप जून में अप्लाई कर सकते हैं हर साल, ये आप जून में अप्लाई कर सकते हैं हर साल और ये US की यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट एक स्कॉलरशिप होती है टाटा स्कॉलरशिप, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के लिए होती है और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बस ये होता है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होना चाहिए और फिर जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से फाइनेंशियल उसको जितना भी सपोर्ट चाहिए वो सब उसको मिल जाता है। इसमें ट्यूशन फीस मिल जाती है 8 semesters की पूरी और आपको फूड मिल जाता है, मेडिकल उसको मिल जाता है, लिविंग एक्सपेंस मिल जाता है, एयर ट्रैवल मिल जाता है, ये सब कुछ आपको फंडेड हो जाता है। इसमें भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग या फिर फिजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज या फिर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। आप अक्टूबर या नवंबर में हर साल अप्लाई कर सकते हैं और ये सिर्फ 20 स्कॉलरशिप्स निकलती हैं हर साल, वो भी सिर्फ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर सकते हैं।
यूबीसी इंटरनेशनल लीडर ऑफ टुमारो अवार्ड। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि एक तो आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स करा हुआ हो और जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफिल कर रहे हो आप, और आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो इंग्लिश, और फिर आपको जितना भी सपोर्ट चाहिए होता है फाइनेंशियल सपोर्ट हो उसके हिसाब से आपको दे देते हैं। और इसमें भी आपके लिविंग एक्सपेंस और एयर ट्रैवल और ये सब कुछ कवर होता है, और ये 3 साल के बाद आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं उनसे बात करके। कुछ सर्टन क्राइटेरिया होता है उसको आप फिट करते हैं तो आप 3 साल के बाद इसको और एक्सटेंड करा सकते हैं स्कॉलरशिप से। आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं, आप हर साल नवंबर में अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एक होती है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी फुल फंडेड स्कॉलरशिप होती है ये जो होती है ये सारे मतलब कोई भी बच्चा हो जिसके एटलीस्ट 50% उसमें स्कोर कराओ उन सबके लिए होती है। इसमें आपको फ्री वीजा मिलता है फॉर 4 इयर्स। इसमें आपकी ट्यूशन फीस इंक्लूडेड होती है, आपका वीकली ट्रैवल एक्सपेंस इंक्लूड होता है, और अगर आप मैरिड हैं तो आपका फैमिली अलाउंस भी इसमें इंक्लूड होता है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी स्कॉलरशिप है। इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। इसमें आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन टाइम क्या होता है ये आप ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से जाके चेक कर सकते हैं, जो इसका लिंक है उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन की कुछ लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अप्लाई हो जाती हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप होती है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न की स्कॉलरशिप होती है ये। इसमें आपका अकेडमिक अचीवमेंट जो है वो काउंट होता है, जो आपका लास्ट आपने जो भी कोर्स, उसमें आपकी रिफंडेबल फी आपको मिलती है $11,000 तक, लिविंग एक्सपेंस आपको मिलता है $30,000 तक, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया और कंट्रीज प्रोवाइड करती है। मैं आपको सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप ऐसा कोई भी टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय गाइज।